बड़ा ही गंभीर मसला मैं सदन दे विच ते आप जी दे जरिए पूरे पंजाब दे सामने रखना चाहता है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत गल हुंदी है सर, बहुत गल हुंदी है, पर एक ऐदा दा केस, क्योंकि जेल मिनिस्टर मैं जी, एक ऐदा दा केस मेरी नज़र च आया जिसने साडा पंजाब की छवि ते सवाल उठा दिते। सर इंडिया का नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी वॉज कैप्ट इन अ पंजाब जेल फॉर 2 years and 3 months। एक जाली FIR करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 परचे से यूपी ते, एक जाली FIR करते उस FIR दे विच कोई चलान नहीं होया सर, उस FIR चों डिफॉल्ट बेल नहीं ली सर। ते इन्ना ही नहीं सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पंजाब, लेट मी फिनिश प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is very important sir, this is related to law and order of my state, let him complete, this is related to law and order of my state, let me complete sir, this is very important, let him complete sir, 2 saal 3 mahine onu punjab di ropar jail ch rakhya gaya jis barrack de vich 25 bande aane chahide si, he was given a vip treatment, us di wife us jail ch naal rehndi si sir, sir itthe nahi rukdi gal सर, इतने नहीं रुकती हूँ, 2 साल 3 महीनों चुन की फोन जित यूज किए हो, किन्ने गैंगस्टर फायदा किए हो, नॉट ओनली दिस दैन इट ऑलसो जॉइंट्स दैन ऑल दैन इट ऑलसो पुट्स बर्डन ऑन दैन इट सर, नॉट ओनली दिस सर, सुन लो इतने बजट भी आ गया सर, इतने बजट भी आ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, इतने बजट भी आ गया सर, यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया, 26 वारी पंजाब ने सुनिया नहीं, दैन द यूपी गवर्नमेंट फाइल्ड अ रिट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुख्तार अंसारी नूं बचाउण दे लई, सर सीनियर एडवोकेट जिन्हें 11 लाख रुपया पेशी की फीस सी, 11 लाख रुपया एक दिन की फीस सी, 55 लाख का बिल अच्छ सानू आया होया, 55 लाख रुपया असी क्यों देईए एक गैंगस्टर नूं रखण दे लई, इंपॉर्टेंट है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब कुछ कहना चाहते हैं, बैंस साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब कुछ कहना चाहते जी सर, चलो हरजोत सिंह बैंस एक मिनट, लास्ट 60 सेकंड सर कर लें दो, लास्ट 60 सेकंड सर, सर 55 लाख रुपए दे सर असी बिल देिए, जिथे साडी स्टेट का 108 करोड़ रुपया लगे असी वकील नहीं करते, जिथे असी गैंगस्टर 2 साल 3 महीने उन्हें अपने कोल रखिया, 5-star फैसिलिटीज दित्तियां सर, उसनू बचाउण दे लई सर सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिदी जे तरीक पै जावे तां 11 लाख पंजाबी देणगे, जे नहीं पऊगी तां 5.5 लाख पंजाबी देणगे, 55 लाख रुपए दा बिल सर टू द स्टेट ऑफ पंजाब सर, आई फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब सर, आई हैव ऑर्डर्ड दैट एन FIR बी लॉज्ड एंड ऑल दोज़ हू गिल्टी बी बुक्ड। गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां, अंसारी अंसूरी दी घर दी रहिंदी सी, नहीं सी रहिंदी, कैन यू प्रूव इट, करदे उत्थे सी, कैन यू प्रूव यू आर जेल मिनिस्टर, this you are saying this on the floor of the house, if you are not able to a cheez sabit na ho, you will have to resign, you are not in a mahalla clinic, you are on the main floor, apna you are on the floor LOP sahab, je proof je bhai sahab acha ek minute ji, ek RC ek minute, why he was kept sir, aaj punjab de law and order, aaj punjab de law and order mukhtar ansari karke kharab hai, baitho 2.5 saal बैठो एक मिनट बैठो बैंस साहब, बैठो अमन जी, बैठो जी, LOP साहब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मेरी बेनती है, लेट अस ऑन, क्योंकि ए फाइनेंस से बजट से डिस्कशन हो रही, वी विल स्टार्ट विद लॉरेंस बिश्नोई। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई जेड़ा इस टाइम तुसी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया, एक मिनट या गैंगस्टर ऑफ मेरी सुनोगे, हाँ जी मेरी सुनोगे, हुन तुहानूं वेखो तकलीफ शुरू, बिल्कुल तकलीफ नहीं, हां फिर करो, है बिल्कुल तकलीफ नहीं, आओ दो हाथ करने हैं लॉरेंस बिश्नोई दा, रंधावा साहब बैठो मैं कहता हुण तुसी बैठोगे, हुण मैं गल कर ला जी रंधावा साहब ओदी वाइफ जिहड़ी अंदर ही है, प्रूफ करनगे, बैठो तुसी मंत्री जी सर।
ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਸਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਮਾਈ ਵਰਡਸ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਮਾਈ ਵਰਡਸ ਸਰ ਸੁਣੋ 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 ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਮਾਈ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਆਰਡਰਡ ਐਨ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਐਂਡ ਦ ਟਰੁੱਥ ਵਿਲ ਬੀ ਆਊਟ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਟ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਸੀਟ ਤੇ ਚੱਲੋ ਸੀਟ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਜੀ ਬੈਠੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਿਨਾਰ ਚੱਕ ਜੀ ਬੈਠੋ ਅਮਨ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਅਮਨ ਜੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਦਫਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਕ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਭੋਏ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਭੋਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੋਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਉਜ ਤੇ ਤਰਨਾਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊ ਦੱਬ ਕੇ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 24-24 ਘੰਟੇ ਟਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੰਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਚੱਕ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਘੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਓ
बहुत कुछ निकलना, बहुत कुछ निकलना। मैं जिम्मेवारी नाल कह रहा, मैं अज जे कोई सवाल भी करे मैं प्रूव कर सकता, पर मैं जिम्मेवारी ना कह रहा, बहुत कुछ निकलना, अगे बधियो, असी तुहाडे नाल आ। दूजी गल, उत्थे ट्राले चलते जी, ट्राले 24-24 घंटे। साड़ी सरकार आने तो फौरन बाद 3 डे असी वो सारे ट्राले जिहड़े 24-24 घंटे चलते सन वह बंद कराया, उन्होंने टाइम दे दिता एक 8 to 6 तक रात का। सो जे ये काम इस सरकार किए जा सकते हैं तो पिछले 5 या 10 साल क्यों नहीं किए गए? मतलब किन्नी 19 मौत, 2 उत्थे मां धियां मरिया ट्रालिया थले आ गए, नौजवान बच्चे मरे, 19 मौत। मैडम जी तुसीं भी जानते हो। सो इस करके माइनिंग मैं समझदा भी इन्हें बहुत वड्डी तबाही की, और मैं शुक्रिया अदा करदा ना मंत्री साहब दा पुरी जी, और पठानकोट के अंदर किसी भी तरह की जी गैर कानूनी माइनिंग मेरे ख्याल से क्रैसरा वाले के खिलाफ परचे दर्ज किए हैं। सो इस करके आने वाले समय च भी यह कार्रवाई महकमे वालों भी तो साढ़े वालों भी लगातार जारी रहेगी। मैं केवल गल कहना चाहता पुरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं आज हाउस पहली बार बोल रहा और पहली बार विधायक चुन के आया, और मैं पहले सारे मैंबरस को हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लैंना अगर कोई गलती होए। तो मिनिस्टर साहब भोए तो आए हैं, मैं सुजानपुर तो आया जी। जो होया पिछे सारी दुनिया नू सब नू पता है, पर मैं कहना हजे भी उस रोड ते शाम नू 4 बजे तो बाद 2000 ट्रक लंघदा सर। अगर जी असी उदों कंट्रोल नहीं किया तो हुण की प्रॉब्लम है? मैं आभारी हाँ मिनिस्टर साहब का, बैंस साहब का, इन्होंने जिहड़ा बंदा फड़िया मैं उहदे खिलाफ धरना लाया सी 5000 बंदा लैके। क्यों? एक काउंसलर ने क्रशर है उहदा, मैं मन्ना इस गल नूं हाउस दे विच खड़े हो गए कि जिहदा क्रशर है वह माइनिंग करदा, मैं उहदा साथ दिता। क्यों दिता सर? उत्थे 100 क्रशर है, बंदा फड़िया एक, इट मीनस ए वेंडेटा पॉलिटिक्स सी। और मैं डिमांड की धरने दे विच, एक सैकेंड मंत्री जी, हाँ जी, पहले उन्होंने ही फड़िया, पहले उन्होंने टंगिया। मैं नंबर की गिनती च नहीं पैना चाहता, पर उत्थे अगर 150 क्रशर है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं ठीक है, अमन अरोड़ा जी, जी मंत्री जी कुछ कहना चाहते हो? ठीक है पुरी साहब, ठीक है पुरी साहब। मंत्री जी एक सेकंड, एमएलए साहब एक सेकंड सर, मंत्री जी, हाँ चलो दे दो, बड़े भाई ने जी दे दो। अमन जी, स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा। स्पीकर साहब देखो इस तरह है कि मैं, मेरे सारे ही मैंबर्स चाहे इधर ने चाहे सामने ने, बड़े सत्कारयोग ने, मेरी सारे नु हाथ बन के एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि नो डाउट चाहे आप अज गल काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके, डिस्कशन हो चुके, सारा पंजाब आपां नु देख रहा है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट थानू सर ये है, जिवें बाजवा साहब ने कहा सी, मैं इहनां दी गल नू तसदीक करदा, चाहे आपां, ये बजट सैशन है जी, और बजट सैशन दे उपर अपना प्राइमरीली जिहड़ा फोकस होना चाहिए वो बजट दे उपर होना चाहिए। चाहे आपां, और त्रासदी ये है सर कि चाहे आपां अज बजट की गल कर लिए, पंजाब दे फाइनैंसिस इकोनमी की गल कर लिए, चाहे आपां जेलों की गल कर लिए, चाहे आपां माइनिंग की गल कर लिए सर, कोई बहुती रोजी पिक्चर तो किसी पासे भी नहीं हैगी। सो मेरी हथ बन के बेनती है कि जो पिछे हो चुकिया, आपां अगे पंजाब नूं बजट सैशन है, पंजाब दी इकोनमी दुरुस्त किवें करनी है, आपां उहदे बारे बजट दे उपर आपां डिस्कशन करिए। पिछे जो चाहे किसी तो भी गलतियां हो गई, एक जिहड़ा रीयर व्यू मिरर दे तरह पिछलियां गलतियां तो देख के बच के आपां उहनूं सारे नूं सर जिन्नी देखो जिन्नी साडी जिम्मेवारी है ना ट्रेजरी बेंच वालिआं दी, ओपोजिशन की भी उन्नी ही जिम्मेवारी बन जाती है। मेरी तुहानूं हथ बल के बेनती इन्नी है कि जे बाजवा साहब और सारे साथी सहमत होण के पिछली गल नूं छड्ड के आपां बजट सैशन है, बजट के उपर कंस्ट्रक्टिव फ्रूटफुल पॉजिटिव डिस्कशन कर लिए। मैं नहीं कहता है कि साड़ी 100% फ्लॉलैस काम हो सकता है सर, जो तो काम करा तो हो सकता कोई गलती भी हो। सो मेरी हथ बन के बीते सू कंस्ट्रक्टिव सुझाव दो, उपर जो सारे असं भी थोड़े सहमत होवोंगे तो काम भी करा। सो मेरी इन्नी बेनती है जो हथ बन के धन्यवाद। मैं हम अगले बुलाड़े बुलाऊंगा। मंत्री जी तुम कुछ कहना चाहते हो? हरजोत बैंस जी,
ऑनरेबल स्पीकर साहब, क्योंकि जो आप बजट की गल करते जो आप कहते पिछला भुलना अपन अपनी गलतियां से अपन वी हैव टू लुक बैक। अज कोई छोटी गल नहीं। मैं दूजी गल सर एक कहना चाहूँगा, अक्सर मैनू भी मेरे वट्सएप से होर भी पासे बहुत सारे वीडियोस भेज देंगे हैं सर, एक बड़ी सिंपल जी गल है, जे पंजाब दे विच रोज 1,00,000 मैट्रिक टन कुल पंजाब दे लोकां नूं रेता ते बजरी भी देना, वो ट्रकां ते टिप्परां तो ही आऊगा, वो सड़कां ते दिखणगे। तां गल है कि वह साढ़े रिकॉर्ड च आ रहा है ते उहदा रेवन्यू। दूजी गल सर रेवन्यू की गल, लास्ट वन मिनट सर, रेवन्यू जांदे जांदे पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी 21 नवंबर नूं सर साढ़े मैंबर जिहड़े मैंबर हाउस नहीं हन उहनां दा नाम सर, चलो साबका मुख्यमंत्री 21 नवंबर नूं सर 9 रुपए तो 5.5 रुपए रेता करके पंजाब दे लोकां नूं तो 5.5 नहीं मिले, पर उहदे नाल पंजाब दा रेवेन्यू सर 2.5 रुपए तो घटा के 70% 70 पैसे रह गया, 70%। जे अगर अज सर उही रेट हुंदा तां असी 100 दिनां दे विच तकरीबन 150 करोड़ इट वुड हैव बीन 150 करोड़ कलैक्ट होणा सी। ठीक है मंत्री जी।